जो पोलिटिकल साइंटिस्ट जैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं कि दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ शेयरिंग अ कॉमन हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी एंड कल्चर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ लोगों के पास कॉमन ट्रेडिशंस होंगी उनका कल्चर कॉमन होगा हिस्ट्री कॉमन होगी यानी कुछ चीज़ें कॉमन हैं तो वहाँ पर लोग मिलकर अपने लिए जब एक नेशन स्टेट को क्रिएट करते हैं तो ये ज़रूरी है कि उनके यहाँ कुछ मुश्तरक रवायात कुछ का इकदार और कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जिन पर उनका कंसेंसिस हो सो प्रायर टू दैबलिशमेंट ऑफ दिस नेशन स्टेट द डिसीजन मेकिंग पावर एंड अथॉरिटी वॉज डिटर्मन बाई किनशिप रिलेशन एंड रिलीजियस रिचुअल्स यहाँ ये बात क्रिटिकल है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि नेशन स्टेट में जब हमने कल्चर की बात की हमने कॉमन हिस्ट्री की बात की हमने लोगों के आपस में ताल्लुक़ की बात की आइडेंटिटी की बात की तो अगर माजी में देखा जाए हिस्टोरिकली ढूंढा जाए कि पहले क्या सिलसिला था तो वहाँ मैंने ये नज़र आता है कि कॉमन अथॉरिटी जो किनशिप की बात नॉर्मली नौ, इस ट्रेडिशन को फॉलो करती थी कि ख़ानदानी जो हुकूमत है या अफराद उनका सिलसिला चलता रहता था वो हुक्मरान समझे जाते थे या मज़हबी बुनियादों पर आपस में जो है वो अथॉरिटी तकसीम हो जाती थी और लोग उसी सिलसिले को फॉलो करते थे देन एनदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बाय मैक्सवेबर क्योंकि मैक्स वेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं तो हमने उनकी बात को भी समझना है दैट मैक्स वेबर डिफाइन द स्टेट एज अन कम्यूनिटी दैट क्लेम्स द मिनोपली ऑफ लिजिटमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिट्री अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक लिजिटमेट अथॉरिटी होनी चाहिए तो लजिटमेट अथॉरिटी से क्या मुराद है वो अथॉरिटी जिसको मैक्स पेपर मानते हैं वो होनी चाहिए लीगल फॉर्मल अथॉरिटी यानी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो जिसको ये पावर्स असाइन की जाए कि उसने उस इलाके का नज्मो नस्क संभालना है और फिर डिलीवर भी करना है सो द मॉडर्न नेशन स्टेट्स

कौन फराम करेगा वो स्टेट फराम करेगी यानी एक मखसूस इलाके के अंदर रहने वाले वो अफराद जिन पर बकायदा एक हकूमत हो और वह हुकूमत एक ख़ास रियासत के साथ एक फैक्टर के तौर पर काम कर रही है तो ये रियासत का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज भी माना जाता है सो बिनोपली रेफ़र्स टू द आइडिया दैट स्टेट ऑलवेज नॉट स्पोज़ टू यूज़ कोर्शन और फोर्स डेफिनेटली जहाँ मुस्तकिल जो है वो तशद होगा जहाँ मुस्तकिल यूज़ ऑफ फोर्स होगा वहाँ स्टेट की कैपिलिटी के बारे में डाउट्स होंगे और डेफिनेटली जहाँ यूज़ ऑफ फोर्स है हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ रियासत अपने रहने वालों पर मुसलसल तशद करती है उसे रियाती दहशत गर्दी का नाम दिया जाता है ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज लिजिटमेसी लिजिटमेसी इज अनदर डिफाइनिंग एट्रीब्यूट ऑफ द स्टेट इन कॉन्टेम्पररी टाइम्स विच बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाई मैनी पोलिटिकल साइंटिस्ट एज वेल एज पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट दे से दैट इफ द स्टेट इज टू एग्जिस्ट द डोमिनेटेड मस्ट ओबे द अथॉरटी बाई पावर्स दैट बी लिटिटमेसी क्या है लिजिटमेसी वो लीगल अथॉरिटी है जिसके साथ रियासत अपने बसने वालों को अपने रहने वालों को कंट्रोल करती है उनको ऑर्डर्स दे सकती है लेकिन लिजिटमेट कौन होगा हमने अभी कहा कि वो इलेक्टेड होगा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होगा तब उसे लिजिटमेट अथॉरिटी कहा जाएगा जिसको उसके रहने वाले उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उस स्टेट के वो मान रहे हों सो मॉर ओवर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट्स दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन ब्रॉडर लेवल दे आर डिवाइडेड इन टू टू फॉर्म सच एज डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक स्टेट्स डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर दोज दोज हैव देयर पोलिटिकल सिस्टम दैट इज प्रोवाइडिंग ऑपरचुनिटी to all the participants but again democracy can be divided into direct democracy indirect democracy representative democracy and liberal democracy on the other hand undemocratic states they are called the totalitarian or authoritarian regimes and they are characterized by an absence of civil liberties and protection from state violation आम तौर पर ये कहा जाता है कि जो अनडेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वहाँ किस चीज़ की ज़्यादा वायलेशन होती है कि लोगों को उनके सिविल जो लिबर्टीज़ हैं वो नहीं दी जाती लोगों के पास अपने हकूक़ नहीं होते तो ये आजकल की जो मॉडर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर उनकी तकसीम होती है उनके निज़ाम की बुनियाद पर और वो अपने लोगों के साथ किस तरीके से ट्रीट करती हैं उसी बुनियाद पर उनको कैटेगराइज करते हैं political sociology.